ये है गंगा विलास क्रूज जो कि अब तैयार है दुनिया की सबसे लंबी और रोमांचकारी क्रूज यात्रा करने के लिए। नए साल में वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक लगभग 3200 किलोमीटर की रिवर क्रूज यात्रा की शुरुआत होगी। ये दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज जर्नी होने वाली है जो कि लगभग 15 दिन तो बांग्लादेश की सीमा में ही रहेगी। वैसे इस जर्नी में सुंदरवन और काजीरंगा नेशनल पार्क के ब्यूटीफुल व्यू के साथ साथ एंटरटेनमेंट की भी सभी सुविधा इस क्रूज में उपलब्ध होगी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इस रिवर क्रूज का कंप्लीट रूट मैप, कब से इस यात्रा की शुरुआत होगी, इस क्रूज में क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी और इसका टिकट प्राइस कितना होगा। तो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। काशी, बनारस या वाराणसी आस्था का बड़ा केंद्र है। लाखों श्रद्धालु एवं पर्यटक बनारस आते हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बनने के बाद श्रद्धालुओं की संख्या में और ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। यहाँ पर देव दीपावली का भी आयोजन किया जाता है। तो पर्यटन को और बढ़ावा देने के लिए अब बनारस से दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज यात्रा की शुरुआत हो रही है। ये क्रूज बनारस से शुरू होकर बिहार, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के रास्ते असम के डिब्रूगढ़ तक लगभग 3200 किलोमीटर की यात्रा करेगी और दुनिया की इस सबसे लंबी यात्रा के लिए ये गंगा विलास क्रूज अब बनकर तैयार है। ये मेड इन इंडिया क्रूज है। इसकी लंबाई लगभग 62.5 मीटर है और इसकी चौड़ाई है लगभग 13 मीटर। तो चलिए अब देखते हैं इस रिवर जर्नी का पूरा रूट और इसका टाइम टेबल। तो इस क्रूज की पहली यात्रा शुरू होगी 10 जनवरी से, यानी कि लगभग 2 महीने बाद। 10 जनवरी को बनारस से शुरू होकर 1 मार्च को डिब्रूगढ़ में पहली यात्रा खत्म होगी, यानी कि पहली यात्रा टोटल 52 दिनों की होगी, जिसमें ये क्रूज लगभग 50 जगह पर रुकेगी भी। ये इसका पूरा रूट है। उत्तर प्रदेश के बनारस से शुरू होकर गाजीपुर होते हुए ये बिहार में एंटर करेगी। बिहार में बक्सर के बाद ये पटना पहुंचेगी 8वें दिन यानी कि 17 जनवरी को। पटना के बाद मुंगेर, भागलपुर के सुल्तानगंज और बटेश्वर स्थान होते हुए फरक्का से ये क्रूज वेस्ट बंगाल की सीमा में प्रवेश करेगी और 20वें दिन यानी कि 29 जनवरी को ये क्रूज कोलकाता पहुंच जाएगी। इसके अगले दिन ही ये बांग्लादेश की सीमा में प्रवेश करेगी और 15 दिनों तक ये क्रूज बांग्लादेश की सीमा में ही रहेगी। फाइनली बोगीबिल यानी कि डिब्रूगढ़ पहुंचेगी ये क्रूज 1 मार्च को। इस यात्रा का बेस्ट पार्ट ये है कि ये क्रूज सुंदरवन और काजीरंगा नेशनल पार्क से होकर गुजरेगी, जिस कारण से इसमें यात्रा करने वाले यात्रियों को काफी खूबसूरत प्रकृति के नजारे दिखेंगे। इसके अलावा इस यात्रा को और भी मनोरंजक बनाने के लिए इसमें गीत, संगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं इस क्रूज में एक बार में कितने लोग यात्रा करेंगे। तो पहली यात्रा में इस क्रूज में 80 पर्यटक होंगे, यानी कि 80 पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स को मिलाकर लगभग 100 लोग इस क्रूज में होंगे। इस क्रूज में सभी आधुनिक सुख सुविधाओं का ख्याल रखा गया है और सेफ्टी यानी कि यात्रियों की सुरक्षा पर पूरा जोर होगा। इसमें यात्रियों के लिए टोटल 18 स्वीट्स बनाए गए हैं। डाइनिंग के साथ साथ इसमें जिम की भी सुविधा होगी, यानी कि ये एक लग्जरियस क्रूज बनाया गया है। तो इसका रूट मैप और इसमें मिलने वाले सुविधाओं के बारे में हमने जान लिया। अब आप लोग जानना चाह रहे होंगे इसका किराया यानी कि टिकट प्राइस कितना होगा। तो इस क्रूज को PPP मॉडल यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर चलाया जाएगा। तो इस क्रूज के टिकट की कीमत भी ऑपरेट करने वाली कंपनी ही डिसाइड करेगी, लेकिन अभी तक टिकट प्राइस को लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है। वैसे आपको क्या लगता है, 52 दिनों में लगभग 3200 किलोमीटर की दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज जर्नी के लिए टिकट प्राइस लगभग कितना होना चाहिए, कमेंट करके जरूर बताइए। अपने देश भारत में ज्यादातर क्रूज समंदर में ही ऑपरेट होती है। मुंबई, गोवा, लक्षद्वीप और केरला के बीच काफी सारे क्रूज ऑपरेट होती है। एक आध क्रूज गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी में भी ऑपरेट होती है। इसमें से कुछ क्रूज गवर्नमेंट के द्वारा भी ऑपरेट किया जाता है, लेकिन ज्यादातर क्रूज प्राइवेट या फिर PPP मॉडल पर ही ऑपरेट होती है। लेकिन गंगा विलास क्रूज केवल इंडिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे लंबी रिवर क्रूज जर्नी होने वाली है। अगर ये सक्सेसफुल होता है तो आने वाले टाइम में इसी तरह के और भी क्रूज शुरू होंगे, जिससे पर्यटन को काफी ज्यादा बढ़ावा मिलेगा।
आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पापा कंस्ट्रक्शन को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए।